कनक, मेरी खुशियों की चाबी कनक, कहाँ है वो? तांत्रिक के साथ। तांत्रिक? कौन तांत्रिक? बहुत ही ताकतवर तांत्रिक है वो, जिससे नागलोक के सभी नाग थर थर कांपते हैं। क्या वो आखिर इतना शक्तिशाली है कि एक इच्छाधारी नागिन को अपने कब्जे में किए हुए हैं? ऐसा कैसे हुआ कात्यानी? कपट, धोखा। उस तांत्रिक ने उस औरत से जो उसे पाल रही थी छल से उसे छीन लिया। कहाँ है वो तांत्रिक? पता नहीं मुझे। उसे तो मैं ढूंढ लूंगा। जो मेरी मदद करता है मैं कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाता कात्यानी। कनक का यह राज किसी और को मत बताना कात्यानी। अगर बताया तो अगली बार बर्फ नहीं आग के गोले होंगे, और आग को अपना काम खत्म करने में इतना वक्त नहीं लगता। हम जानना चाहते हैं कि हमारे परिवार के प्रति आपका रवैया ऐसा क्यों है। हम क्या चाहते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम यहाँ सिर्फ बाबा के कहने पर आपकी मणि ढूंढने में मदद करने आए हैं, रिश्ते जोड़ने नहीं। मगर आप इस घर में बेटी बनकर आई है तो आपको बेटी का फर्ज निभाना चाहिए। हमारा जो फर्ज है वो हम अच्छी तरह से निभा रहे हैं। मत भूलिए कि हम एक इच्छाधारी नागिन है। हमारा इंसानों से ना तो कोई रिश्ता रहा है और ना ही कभी रहेगा। कनक, हम पर अधिकार जताने की कोशिश मत कीजिए आप। ना तो हम आपकी बेटी हैं और ना आप हमारे पिता। हमारे बीच में सिर्फ मणि प्राप्त करने तक का रिश्ता है, और वही एक रिश्ता रहने दीजिए। अम्बालिका की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई है। अगर उसने कहा है कि मैं अपने परिवार के सामने नागिन बनकर नाचूंगी तो ये होगा जरूर, पर कैसे? मैं तो कभी अपनी मर्जी से ऐसा नहीं करूंगी। यानी कोई और मुझसे ही करवाएगा, पर कौन? भले ही कोई मुझे अपने वश में कर ले, लेकिन नागिन बनने पर मजबूर नहीं कर सकता। आई, आई आई। कर सकता है वो तांत्रिक अपनी बीन की मदद से मुझे नागिन बनने पर मजबूर कर सकता है। मैंने तो उसकी जादुई बीन तोड़ दी थी, पर हो सकता है कि उसने अपनी शक्तियों की मदद से एक नई जादुई बीन बना ली हो, शायद पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली। मैं उस तांत्रिक को उसके चाल में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अपने परिवार के सामने कभी नागिन नहीं बनूंगी। तू हमारी बीन की धुन पर नाचेगी नागिन। तुझे नाचना होगा, तुझे अपना असली रूप अपने परिवार वालों के सामने लाना होगा। तूने हमारी एक चमत्कारी बीन तोड़ दी थी ना, लेकिन इस बीन को तू छू भी नहीं पाएगी। हम इस बीन पर लहरा धुन सिद्ध करेंगे। लहरा एक ऐसी धुन है जो नागों की सबसे बड़ी कमजोरी है। लहरा धुन पर पूरा नागलोक नाच उठेगा, पूरा नागलोक नाच उठेगा, और तू भी नाचेगी। Thank you.
चंडाय विच्छे नमा ओ ओ मैं चंडाय विच्छे नमा ओ मैं मैं चंडाय विच्छे नमा ओ मैं मैं ओ लहरा सिद्ध हो गया है अमृता, अब कैसे बचोगी हमारे प्रकोप से? अब हमारी ये बीन बचेगी और तुम्हारी असलियत तुम्हारे परिवार के सामने होगी। तुम्हारा एक ही वार तुम्हारी हर जीत पर भारी होगा। कैसे रोके इस तांत्रिक को? उसके बीन के सामने मेरी सारी शक्ति बेकार है। अगर मैं सबके सामने नागिन बन गई तो सब बर्बाद हो जाएगा, सभी मुझसे नफरत करने लगेंगे, मुझे इस घर को छोड़ना ही होगा। छूट जाएगा जिसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। परी के बिना मैं सारी जिंदगी कैसे जी पाऊंगी, कैसे भूल पाऊंगी इस परिवार को? अमृता बेटा, अमृता बेटा, अगर तुम्हें बीन के असर से बचना है ना, तो तुम्हें तक्षक वन की अमर गुफा में बहने वाली दूध की धारा से स्नान करना होगा। और उसके अमृता, अमृता, और उसके अमृता, दीमा, बेटा जा चलिए ना हमारे साथ, आइए। अमृता मेरी बात, अमृता, अमृता, अमृता बेटा चलिए ना हमारे साथ नीचे, आइए। क्या अंबालिका ने जो बताया वो सच होगा? हमें उसकी भविष्यवाणी पर शक नहीं करना चाहिए, शक नहीं करना चाहिए। यानी हमारी बेटी जिंदा है, हम हमारी बेटी से मिल पाएंगे, हमारी जिंदगी की वो उम्मीद पूरी होगी जिसके लिए हम सबसे ज्यादा बेचैन हैं। मगर कैसे इतनी बड़ी दुनिया में हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? अगर किस्मत से सामने आ भी गई तो कैसे पहचानेंगे हम उसे? कैसे, कैसे भगवान? दो दिन हो गए, न जाने पिताजी कहाँ चले गए। गणेश, पिताजी आप कहाँ चले गए थे? मैं इंसानों की दुनिया में गया था। इंसानों की दुनिया में, लेकिन क्यों? त्रिवेणी की बेटी का पता लगाने, और मैं जानता हूँ कि वो कौन है। कौन है?
और कहाँ है? वो इंसानों की दुनिया में है, उसका नाम कनक है, वो किसी तांत्रिक के साथ में है। उस तांत्रिक को बहुत ढूंढने की कोशिश की मैंने, पर उसे ढूंढ नहीं पाया। कनक तांत्रिक के साथ? आधा काम आपने कर दिया पिताजी, और अब बाकी आधा मैं करूंगा। मतलब? कनक वही है कि तांत्रिक के कहने पे अमृता से लड़ रही थी। अब हमें कनक जल्द ही मिल जाएगी। हार गई त्रिवेणी, तुम्हारी बेटी के बारे में मैंने जान लिया है, और मैं अब उस तक तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा, और उसके बाद तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी मेरी मुट्ठी में होगी, तुम्हारी बेटी कनक। लीजिए बहू, कल महाशिवरात्रि के प्रसाद के लिए आपके बूंदी के लड्डू तो तैयार हो गए। और पूजा की बाकी सामग्री हम ले आए हैं। इसमें बिलपत्र है, गंगा जल है, सफेद चंदन है। और शिव छत्र? ओह, वो तो हम भूल ही गए। सबसे जरूरी चीज तो लाना भूल ही गए। आप जानते हैं ना, हमने अमृता की सलामती के लिए शिव छत्र चढ़ाने की मन्नत ली है। हम अभी लेके आते हैं। जल्दी जाइए। ये सब तैयारियाँ किस लिए हो रही है बुआ साहब? कल महाशिवरात्रि की पूजा है ना, बस उसी की तैयारी हो रही है। और आप कल अपने हाथों से शिव छत्र मंदिर में चढ़ाएंगी, ठीक है? हम और परी दोनों मिलकर चढ़ाएंगे। हे शिव शंभू, हम इस प्यारे से परिवार से दूर नहीं होना चाहते। कल शिवरात्रि पर आपसे यही मांगूंगी, इस परिवार का साथ हमसे कभी ना छूटे। ये प्यार, ये आशीर्वाद सदा हमारे साथ बना रहे। नहीं कहा होगा वो तांत्रिक, उसका ठिकाना यहीं कहीं होगा। यहां कुछ नहीं मिलेगा कनिष्क, मैं यहां कल भी आया था। चलो वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। लगता है हमारी मंजिल यही है। ऐसा नहीं, ये चमत्कारी बीन हमारा वो शस्त्र है जिसके सामने तुम असहाय हो। अब हम अपने एक एक अपमान का बदला लेंगे। बाबा, ये मूर्ख यहां इस समय कैसे आ गई? तुम इस समय यहां क्यों आई हो? बाबा, ये तो लहरा बीन है ना, आप इससे क्या करने वाले हैं? आवश्यक ये नहीं है कि हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दें।
आवश्यक यह है कि तुम हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। क्यों आई हो यहां? कौन सी मुसीबत का समाचार लेकर आई हो बेवकूफ? बोलो। बाबा, मैं हर काम आपके इशारे पर करती हूँ, हर छोटी से छोटी बात मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आप मुझे कभी कुछ नहीं बताते। क्यों? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? देखो कनक, हम जो भी करते हैं तुम्हारे भले के लिए करते हैं, तुम्हें शक्तिशाली बनाने के लिए करते हैं। इतना वक्त हो गया है बाबा, लेकिन अभी तक कुछ फर्क नहीं पड़ा। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे आप अपने किसी मकसद के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। कनक, हमें आंखें मत दिखाओ, वरना ये आंखें निकाल कर चील के मुंह को डाल देंगे। ये मत भूलो कि तुम कौन हो और हम कौन। बाबा, अब तक तो मैं खुद पूजा करके शक्तिशाली बन चुकी हूँ। तो जाओ करो जाकर पूजा, लेकिन ये मत भूलो हमारी सहायता के बिना तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं। वो पूजा ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। जाओ कनक। जय महाकाल। ये तो त्रिवेणी खड़ गए,